गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करते हैं ड्रेसिंग गाउन के बारे में। कि ड्रेसिंग गाउन के कि पहले हम ड्रेसिंग गाउन के लिए मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट में 36 इंच की चेस्ट है, वेस्ट की लेंथ है 61.12 इंच, हाफ बैग है 7.15 या 7.12 इंच, शोल्डर है 70, स्लीव की जो लेंथ है 28 है, और जो फुल लेंथ इसके लिए है ड्रेसिंग गाउन की वो है 42 इंच अपने लिए है। ये तो हमारे ड्रेसिंग गाउन का मेजरमेंट है। अब है कि हम एक स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे कि 0 और 1, कि 0 और 1, कि 0 है और ये 1 है, 0 1। ये पहले हम सबसे पहले आपको इसका बैक पार्ट समझाएंगे, कि जो हम जो समझा रहे हैं आपको सबसे पहले बैक पार्ट समझेंगे कि ये 0 है और ये 1 है, 0 और 2 वेस्ट की लेंथ है, 0 और 3 जो है इसकी फुल लेंथ है, कि 0 और 3 इसकी फुल लेंथ है, 0 5 कि 0 और 5, 1/2 ऑफ 0 और 1 कि 0 5 है तो 1/2 और 0 और 1, 0 और 4, 0 4, 1/2 ऑफ 0 1 का, कि पहले तो हमने इसका लिया, फिर ये इन दोनों का हमने आधा आधा किया, हाफ हाफ इनका कर लिया आपने। अब स्क्वायर आउट फ्रॉम दीज पॉइंट, इसमें है कि 2 और 6, कि 2 और 6, 1/2 इंच के आधा इंच, 0 6 कि 0 6, प्रोडक्ट लाइन 7 कि 0 और 6 कि प्रोडक्ट एंड लाइन है, ये 7 पॉइंट अपना यहाँ पर आया है। 0 और 9 कि 0 है, ये 9 है, 0 9, 1/3, सॉरी 1/4, 1/3 फोर्थ शेप बैग, 0 और 9, 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 1/3 इंच कि 1/3/4 इंच, फिर 9 to 10 कि 9 to 10, 1/3/4 शेप बैग प्लस 3/4 इंच, 3/4 इंच लेंगे, फिर 5 to 11 कि 5 to 11, 1/2 बैग कि 1/2 बैग प्लस 1/4, 1/4, फिर 12 और 30 कि 12 और 30, 40 इज कि जो 40 इज स्क्वायर्ड अप एंड डाउन फ्रॉम 11, फ्रॉम 11। ट्वेल्व टू फिफ्टीन की 12 है, ये 15 कि 12 to 15, 1/2 इंच कि 12 to 15, 1/2 इंच,
सेब, शोल्डर, 10 to 15, ये 10 है, 10 to 15, 15, 30 to 16, कि 30 to 16, 30 to 16, 1 3/4 inch, जॉइन है 70 और 40, कि 70 और 14, सेब स्काई 15, 11 और 70, 70, 60, सॉरी 6 सिक्स और 80, 6, 80, 1/4, 1/3, 1/3 फोर्थ इंच, 40 एंड 90 इंच स्क्वायर, आउटलाइन 80, कि 80 to 40, 90 to 20, 1/2 inch शेप बटन, शेप इसकी ये होगी, और इसका जो फोल्डिंग है कि बॉटम फोल्डिंग, कि 7 7 और 20, ये तो इसका हमारे जो ड्रेसिंग गाउन है उसका बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में ये पूरा हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके बारे में, कि हमारे इसके जो मेजरमेंट है ये इधर की आपको बता दिया जाएगा और आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। वैसे तो मैं इसका पूरा मेजरमेंट जो हमारा है, ये बैग और फ्रंट दोनों का मेजरमेंट है, और मैं आपको बता भी रही हूँ, और ये हमारा है। अब हम बात करेंगे फ्रंट की, बैक पार्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे फ्रंट पार्ट के बारे में, कि ड्रॉ एक ड्रॉ लाइन लेंगे। इसमें है कि 22 और 23, कि यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 23 है। फिर है प्रोडिकिंग बैक लाइन 23 की 23 और 24, 1/3 ओ 3/4 inch, 23 और 24, 3/4 inch, ड्रो लाइन है 25 की, जो ड्रो लाइन है वह है 25 और 26, 26 और 27 एंड सॉरी 27 एट आ डिस्टेंस ऑफ 2.5 इंच फ्रॉम 23 23, 24 और 22, 25 कि 25, 25 और 28 कि 25 और 28
28. One half of chest, minus 3 inch less 21. कि 25 or 28, 1 half of chest or 21 or 21, कि इसमें 21 ये हो गया और 8 है. ये ऑफ बैग बैग लाइन फिर 29 और 30. थर्टी स्क्वायर फॉर्म 28 की 29 और 30 स्क्वायर फ्रॉम 28. 25 or 31, 1/4 of chest कि 1/4 of chest माइनस 1 inch है और इसमें 31, 1/12 of chest plus 1 centimeter. 34 कि 34 or 29, 1.34 inch. 32 कि 32 or 33 square up to 0 to 1. कि 0 to 1 join है 33 or 34 कि 33 or 34 कि ये यहाँ पर 33 है ये 34 है. फिर 33, 35 or 50 or 10 of bag less 1/4 inch 31 or 36 3/4 inch थर्टी फाइव और थर्टी सेवन 1.5 inch save
शोल्डर 33 और 37 कि 33 और 37 ये हो गए। फिर है 28 कि 28 और 38, 30 और 60 कि 30 और 60। हाफ बैग ऑफ बैग 1.34 इंच, 38 कि 38 और 39, 3/4 इंच। सेब कि सेब 37, 36, 40 और 39 कि 37, 36, 40 और 39। मार्क 40 ड्रेपिंग 2 सेंटीमीटर ब्लू द चेस्ट लाइन, 30 के 30 और 41 कि 30 और 41 1/2 इंच, 41 कि 41 और 42 6 इंच, 42 43 3/4 इंच जॉइन 41 और 43, 41 और 41 और 44 इंच स्क्वायर्ड आउट फ्रॉम 41 और 43 कि 41 और 43। फिर 41 और 45 कि 41 और 45, 40 और 20 और बैक। सेप बॉटम कि सेप बॉटम 24 कि 24 और 25, 33 33 और 46 कि 33 और 46। 1/12 ऑफ चेस्ट शेप 25 और 26, 25 और 26, 33 और 47 कि 33 और 47 2 इंच, 46 कि 46 और 48, 46 और 48, 1/12 ऑफ चेस्ट कि 1/12 ऑफ चेस्ट जॉइन है 47, 48 एंड प्रोडक्ट 49, 48 और 49 2 इंच, 22 और 50, 22 और 50 2 इंच। सेप 49 और 50, 33 कि 33 और 51 कि 33 और 51 1 इंच जॉइन है 50 कि 50 और 51।
ये तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन का हो गया है, और ये इनका मेजरमेंट है। ये बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। धन्यवाद।